दिवाली और छठ पूजा पर भीड़ को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। उत्तर रेलवे शनिवार 26 अक्टूबर 2024 से 7 नवंबर 2024 तक 195 एडिशनल स्पेशल ट्रेन को जारी करने जा रहा है, जिससे दिवाली और छठ पूजा के दौरान सफर करने वाले लाखों यात्रियों को आरामदायक अनुभव दिया जा सके। ये ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, असम की ओर संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही रेलवे की ओर से बताया गया है कि इस साल 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा इस फेस्टिव सीजन में 1 अक्टूबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक कुल 3144 ट्रेनों को संचालित करने की योजना है। इनमें से करीब 85% ट्रेनें यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम रूट पर चलाई जाएंगी। बता दें कि इसमें ही 195 एडिशनल ट्रेन भी शामिल है। बीते साल रेलवे ने 26 अक्टूबर 2023 से 7 नवंबर 2023 के बीच करीब 138 फेरे चलाए थे, जबकि इन 13 दिनों के दौरान बीते साल 59 ट्रेनें चलाई गई थीं और करीब 1,20,000 से ज्यादा यात्रियों ने आरामदायक सफर तय किया था। बता दें कि जो 195 एडिशनल ट्रेन चलाई जा रही है, इसमें 2 वंदे भारत और 1 तेजस एक्सप्रेस भी शामिल है। पहले वंदे भारत ट्रेन को नई दिल्ली से पटना के बीच चलाया जाएगा, जबकि दूसरी वंदे भारत लखनऊ से छपरा के लिए चलाई जा रही है। फेस्टिव सीजन में उत्तर रेलवे की इस नई पहल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फाइनेंस और दूसरे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।